हाय गाइस, मैं हूँ स्मिता। वेलकम टू माय हॉबीज। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए हैवमोर ब्रांड का आइसक्रीम केक लेकर आई हूँ। इस बार गोल्डन फैंटेसी फ्लेवर का लाई हूँ। इससे पहले भी मैंने आपसे हैवमोर ब्रांड के आइसक्रीम केक का ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर का लाई थी, उसका रिव्यू किया था, तो आप लोगों को बहुत पसंद आया था और वो टेस्ट हमारे घर में बहुत पसंद आया था। तो अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो इसकी इमेज मैं यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, आप देख लो। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो उस पहले वाले वीडियो की लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। या फिर जब ये वीडियो खत्म होगी तो एंड स्क्रीन पर भी उसकी वीडियो डाल दूंगी, आप वहाँ से भी जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए आप फटाफट इसका भी रिव्यू शेयर कर देती हूँ। ये हैवमोर ब्रांड का आइसक्रीम केक है और ये गोल्डन फैंटेसी फ्लेवर का है। और यहाँ पर इसकी इमेज देख रहे हैं, दिखने में तो बहुत ही यम्मी लग रही है, देखते खाने में कैसी है। और ये इसका बेस्ट पार्ट है जो मुझे सबसे अच्छा लगा, सेफ सर। और उसके पास में एक QR कोड दिया हुआ है, उसके ऊपर आप फोन रख के स्कैन करके उसकी वीडियोस देख सकते हैं कि ये कितना सेफ है। इसके वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये 0% ह्यूमन टच से बनती है और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है, जो इस कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये एगलेस केक है और मिल्क से बनती है। इसके एक तरफ आपको इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाएंगे और दूसरे तरफ आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। ये 1 लीटर का है लेकिन 500 ml में भी अवेलेबल है। ये 500 रुपए का है, आप देख सकते हैं। और ये नवंबर 2020 का है बनाया हुआ और ये 6 महीने तक अच्छा रहता है। इसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने तक की होती है। इसके पैकेजिंग की मैं बात करूँ तो ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है। अंदर का जो बॉक्स होता है वो थर्मोकोल का होता है और दोनों साइड इस तरह से स्टिकर दिए हुए होते हैं, उसको आपको सबसे पहले कट करना होता है। आप देख लीजिए, दोनों तरफ इस तरह से स्टिकर आते हैं। तो चलिए आप फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर भी इस तरह से हैवमोर लिखा हुआ होता है। तो चलिए अब हम इसको खोल लेते हैं। वाओ, कितना बढ़िया है। सीरियसली फ्रेंड्स, इट्स लुकिंग सो यम्मी, सो डिलीशियस। और ये खाने में भी बहुत ही बढ़िया है, यकीन मानिए, एक बार खा के देखिए। ये सीरियसली हम सबको घर में बहुत ही पसंद आया, एक बार आप इसको घर पर जरूर ट्राई करें। इसका लुक भी इतना डिलीशियस है कि आपको देखकर ही खाने का मन करेगा, लेकिन जब आप खाएंगे तो ये लुक से भी ज्यादा डिलीशियस है। अब मैं आपको इसके बारे में और बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो आप सब देख रहे हैं वो सब काजू है और कैरेमल क्रंच है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप देख सकते हैं चारों ओर से बहुत सारे काजू और कैरेमल क्रंच से इसको गार्निश किया हुआ है। और आप देखिए, दोनों साइड से इस तरह से उठाने के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है। आप देख लो, नीचे से पूरा ब्लैक पेपर दिया हुआ है जिसको दोनों साइड से उठाकर आप प्लेट में या ट्रे में ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब आप इसको परचेस करोगे तो ये फ्रोजन टाइप का होता है और वो भी थर्मोकोल के पैकेजिंग में, तो आपको घर तक पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पिघलने के कोई चांसेस नहीं। और इस प्राइस में मुझे ये बहुत ही अफोर्डेबल लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं आपको इसे कट करके दिखा देती हूँ। जब भी आपको कट करना हो तो थोड़ी देर पहले ही फ्रीजर से बाहर निकाल लें, इसके कारण ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। अब मैं आपको इसे अंदर से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इजीली निकल जाती है और अंदर से भी बहुत यम्मी लग रही है। आप देख लो, अंदर से भी बहुत यम्मी है, बाहर से भी बहुत यम्मी है। और इसके अंदर की मैं बात करूँ तो ये सबसे नीचे का जो पार्ट है वो ब्रेड है, इसके बीच में ये वेनिला आइसक्रीम और फिर उसके बाद ब्रेड और उसके बाद फिर वेनिला आइसक्रीम और इसके बीच बीच में जो ये लाल कलर का आप देख सकते हैं वो है स्ट्रॉबेरी जैम और ऊपर भी थोड़ी सी आइसक्रीम और उसके ऊपर काजू और कैरेमल क्रंच। और ये सब कॉम्बिनेशन मिलाकर जो टेस्ट बनता है वो मुझे कसाटा आइसक्रीम जैसा लगा।
तो जिन लोगों को कसाटा आइसक्रीम पसंद है उनको तो ये डेफिनेटली पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं जब भी करती हूँ ऑनेस्ट रिव्यू ही करती हूँ। अगर आप मेरे ऑनेस्ट रिव्यू और भी देखना चाहते हैं तो फटाफट से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक करना मत भूलना, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इससे हमें बहुत ही अप्रिसिएशन मिलती है। और साथ में फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक और ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।